अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान जलगांव की सभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के काम का हिसाब मांग रहा है, लेकिन मैं शरद पवार से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता पिछले 50 साल से आपका बोझ उठा रही है। उनके इस वक्तव्य के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार ने इसका निषेध किया है। जिसका निषेध करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता वेद प्रकाश आर्य ने तीखे शब्दों में गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की, जहां उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल शरद पवार के लिए कहा कि वे महाराष्ट्र पर बोझ है, परंतु सच्चाई यह है कि अमित शाह तो देश के लिए घातक और बोझ है। आज भारत का दुर्भाग्य है कि अमित शाह जैसा तड़ीपार देश का गृह मंत्री है। अमित शाह को न्यायालय ने 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया था और जेल भी गए थे। ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि भारत के प्रख्यात पत्रकार और शोधकर्ता निरंजन टकले ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि जस्टिस लोढ़ा हत्याकांड में गृह मंत्री अमित शाह के हाथ लाल हैं। उन्होंने 100 करोड़ का जस्टिस लोढ़ा को ऑफर किया था, जिसे जस्टिस लोढ़ा ने लेने से इनकार कर दिया था। उपरोक्त किताब को प्रकाशित हुए 3 वर्ष से ज्यादा का समय हुआ है, परंतु किसी भी भाजपा या अमित शाह ने उन्हें चैलेंज नहीं किया है। अगर अमित शाह का दामन साफ रहता तो वे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई से जांच कराते थे। अगर कोई तड़ीपार आकर महाराष्ट्र में शरद पवार के लिए कहे कि महाराष्ट्र के लिए शरद पवार तो पोछ है या महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए 72,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए कर्ज माफ किए थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में आंदोलन में 700 किसानों को शहीद कर दिया। जब से भाजपा सत्ता में आई है, संपूर्ण भारत में प्रत्येक घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आज भारत अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है तो वह शरद पवार की देन और शरद क्रांति है। महाराष्ट्र आज संपूर्ण भारत में लिटरेसी में दूसरे क्रमांक पर है। शरद पवार को तो कृषि रत्न पद्म भूषण भाजपा के कार्यकाल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया था। गुजरात भूकंप की परिस्थिति भी शरद पवार ने संभाली थी, अन्यथा गुजरात की हालत क्या होती थी। ऐसा सवाल करते हुए महाराष्ट्र में आकर शरद पवार के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना या महाराष्ट्र का अपमान है, इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निषेध करती है। इन कड़े शब्दों में उन्होंने निषेध जाहिर किया। जो धान का उत्पादन बढ़ाया तो आज जो भारत का अनाज है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो शरद पवार जी की देन है। शरद पवार जी ने इतना ही नहीं, जबकि हमारे ये अभी जो गृह मंत्री है, यह एक गुजरात में जब गुजरात की कोर्ट में था, जब इन्होंने सोहराबुद्दीन प्रकरण में इनकी जांच चली थी, सीबीआई ने इनकी जांच की थी, तब इन्हें जेल गए थे। करीब 3 महीने वे जेल में रहे थे। बाद में न्यायालय ने फैसला किया था कि गुजरात से इनको 2 साल के लिए बाहर निकाला गया। और हमारे देश का इतना दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश का तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश के लिए। आज क्या है देश की अर्थव्यवस्था, निरंजन टकले है। निरंजन टकले ने आज से 3 साल पहले उन्होंने अपनी किताब में, एक वरिष्ठ पत्रकार है और शोधक पत्रकार है, उन्होंने अपनी किताब में 3 साल पहले लिखा था कि इन्होंने जस्टिस लोढ़ा को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे जस्टिस लोढ़ा ने लेने से इनकार किया था, और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। परंतु आज 3 साल हो गए, उसके बाद भी न कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सामने आया, न कोई उनका भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आया, न कोई अमित शाह आ गया है कि या तो फिर उसकी ईडी से जांच कराते थे, सीबीआई से जांच कराते थे, परंतु उनकी हिम्मत नहीं है। आज हमारे देश को, हमारे महाराष्ट्र में आके पवार साहब के लिए बोलना कि उन्होंने क्या किया, पवार साहब ने जितना किया है, कृषि क्षेत्र हो, सहकार क्षेत्र हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हर क्षेत्र में उन्होंने किया है, इवन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने किया है, तरक्की की है। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।